हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम पर। हम लोग कॉमन हैंड टूल चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें वॉइस पढ़ रहे थे। तो आगे देखिए, वॉइस में चैप्टर कॉमन हैंड टूल चल रहा है। और कॉमन हैंड टूल में हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस में बेंच, मशीन, पाइप, लेग हैंड पिन, इन सब वॉइसों के बारे में हम लोग पढ़ चुके। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे उसके आगे। टूल मेकर्स वॉइस, कारपेंटर वॉइस, सी क्लैंप वॉइस और एक है पैरेलल वॉइस। अथवा टूल मेकर्स क्लैंप भी इसे कहते हैं, पैरेलल वॉइस अथवा टूल मेकर्स क्लैंप। ये चार वॉइसें बची हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग बेंच वॉइस के सभी प्रकार पढ़ चुके, मशीन वॉइस, लेग वॉइस, हैंड वॉइस, पिन वॉइस और इन सभी वॉइसों के बारे में पढ़ चुके हैं। तीन चार वॉइसें बची हैं, इनको आज हम लोग इस वीडियो में पढ़कर वॉइस पूरा हो जाएगा। तो टूल मेकर्स वॉइस देखिए, नाम से स्पष्ट है, एक वॉइस का फिगर हम बना दिए हैं यहाँ पर। ये है टूल मेकर्स वॉइस। ये वॉइस जो बनी हुई है फिगर में, ये टूल मेकर्स वॉइस है। ठीक, इसमें ये मूवेबल जा है यानी चलित जबड़ा, ये है फिक्स जा, स्थिर जबड़ा इसे कह लें। ये वॉइस बनाई गई है टोटल माइल्ड स्टील की। माइल्ड स्टील कह लें या मृदु इस्पात कह लें, यह वॉइस पूरी की पूरी माइल्ड स्टील की बनाई गई है। नाम से ही स्पष्ट है, टूल मेकर्स यानी जहाँ पर टूल्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे औजार बनाए जाते हैं, वहाँ पर इस वॉइस का प्रयोग किया जाता है। इस वॉइस के द्वारा ऐसे जाप को पकड़ा जाता है जिनकी सतह पर निशान न पड़े। ऐसे जाप पर मशीनिंग करी संक्रियाएँ करने के लिए किया जाता है जिनकी सतह पर निशान न पड़े। इस वॉइस के द्वारा बहुत ही बारीक मशीनिंग प्रक्रियाएँ की जाती हैं, बारीक संक्रियाएँ की जाती हैं, आप समझ लीजिए, या मशीनिंग प्रक्रियाएँ की जाती हैं। मशीनिंग ऑपरेशन जो भी किया जाता है इनके द्वारा, वो बहुत ही बारीक बारीक संक्रियाएँ या मशीनिंग प्रक्रियाएँ करने के लिए इस वॉइस का प्रयोग किया जाता है। ये इसका स्पिंडल है, स्पिंडल यानी तर्क, और ये हो गया हैंडल यानी हत्था। पूरी की पूरी वॉइस माइल्ड स्टील की बनी है। इसका साइज जबड़ों की चौड़ाई से दिया जाएगा। इस वॉइस का साइज बिर्थ आप जा कह लें आप, इस वॉइस का साइज बिर्थ आप जा या कह लें जबड़ों की चौड़ाई। इस वॉइस का भी साइज जबड़ों की चौड़ाई से दिया जाएगा, जैसे बेंच वॉइस का साइज, मशीन वॉइस का साइज जबड़ों की चौड़ाई से दिया जाता था। लेकिन पाइप वॉइस का साइज पाइप के द्वारा पकड़ी जा सकने वाली कारीखंड या जाप के अधिकतम व्यास से लिया जाता था। ठीक, पिन वॉइस का भी साइज अधिकतम व्यास से लिया जाएगा। टूल मेकर्स वॉइस का साइज इसके द्वारा पकड़े जा टूल मेकर्स वॉइस का साइज यानी इसके जबड़े की चौड़ाई से दिया जाएगा। बारीक मशीन संक्रियाएँ प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूरी की पूरी वॉइस माइल्ड स्टील की बनाई गई है। इसके बाद देखेंगे कारपेंटर वॉइस। ये सेम इसका सारा पिछली वॉइस की तरह है, यानी जब की चौड़ाई से ही इसका साइज व्यक्त किया जाएगा। साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है क्वेश्चन। इसके बाद वॉइस की देख लेंगे अगली वॉइस। इसके बाद अगली वॉइस देख लेंगे कारपेंटर वॉइस। देखिए टेबल के से एक टेबल बना दिए मेज कारपेंटर वाइज। इसी टेबल पर क्या की जाती है, फिक्स की जाती है यहाँ पर, और इसमें बड़े बड़े जबड़े लगा दिए जाते हैं ऐसे।
इसी टेबल पर फिट की जाएगी, टेबल पर फिट कर जाएगी और इसके जबड़े ऐसे होते हैं, इधर से भी लगा लेंगे और एक तरफ इसमें लगा देंगे स्पिंडल और यहाँ से लगा देंगे इसका हैंडल। ठीक, ये हो गया इसका स्पिंडल, स्पिंडल कह लें या तरफ कह लें, यह हो गया हैंडल। कारपेंटर वाइस है, नाम से ही स्पष्ट है, कारपेंटर वाइस यानी बढ़ई लोग इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कारपेंटरी साहब में प्रयोग किया जाता है। इस वाइस की एक विशेषता है कारपेंटर वाइस की, कि कारपेंटर वाइस है इसका भी साइज जबड़ों की चौड़ाई से व्यक्त किया जाएगा, लेकिन इसके द्वारा धातु के जाप को नहीं पकड़ा जाता है बल्कि लकड़ी के जाप को पकड़ने के काम में लाया जाता है। लकड़ी के जाप या कारीखंडों को बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और कारपेंटर वाइस बहुत इंपॉर्टेंट वाइस है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कारपेंटर वाइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी हुई है, तो कारपेंटर वाइस के स्पिंडल पर बटरेस थ्रेड कटी हुई है, कारपेंटर वाइस के स्पिंडल पर बटरेस थ्रेड कटी हुई है और इसका कोण है 45 अंश। बटरेस थ्रेड कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसे ये इसको रखा जाता है 90 अंश अथवा 85 अंश, ठीक, और इसको रखा जाता है 45 अंश। बटरेस थ्रेड कुछ इस प्रकार की होती है, लेकिन अमूमन ज़्यादातर बटरेस थ्रेड का एंगल 45 अंश ही हम लोग मानते हैं, 45 अंश ही माना जाता है कि बटरेस थ्रेड पर कितने एंगल का कोण कटा होता है या बटरेस थ्रेड कितने एंगल पर कटी होती है, तो वो 45 अंश बहुत इंपॉर्टेंट है। कारपेंटर वाइस है, कारपेंटरी शॉप में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है ये वाइस। इसके द्वारा धातु के जाप इस पर नहीं पकड़े जाते हैं, यानी लकड़ी के जाप को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए अगली वाइस, टेबल की सतह पर इसको लगा देंगे, इस इधर से मूवेबल जा है, ये फिक्स जा हो जाएगा, सेम टू वैसे ही काम करेंगे। छोटे छोटे का इसके जबड़ों को कठोर लकड़ी का बना दिया जाता है, जैसे शीशम हुआ, इमली का लकड़ी हुआ, इमली के पेड़ की लकड़ी या शीशम के पेड़ की लकड़ी, इन सब के बना दिए जाते हैं। इसके बाद अगली वाइस देखिए, तो ये हो गया कारपेंटर वाइस। ठीक, बॉडी कास्ट आयरन की बनाई है, माइल्ड स्टील स्पिंडल, स्पिंडल और हैंडल माइल्ड स्टील के बनाए गए हैं, मृद इस्पात कह लें आप इसके बनाए गए हैं, बॉडी इसकी कास्ट आयरन की बनाई गई है। लेकिन इसके पहले टूल मेकर्स वाइस पढ़ी, ये पूरी की पूरी वाइस माइल्ड स्टील की ही बनी है, लेकिन ये कास्ट आयरन की बनी है। कास्ट आयरन का इसका कास्ट आयरन का बॉडी बना हुआ है, स्पिंडल हैंडल माइल्ड स्टील का बना हुआ है। इसके बाद देखिए, इसमें थ्रेड बहुत पूछा जाता है इस वाइस का, सी क्लैंप वाइस है, सी क्लैंप वाइस भी कास्ट आयरन की ही बनी है, कास्ट आयरन कह लें ढलवा लोहा। सी क्लैंप वाइस का फ्रेम जो है वो कास्ट आयरन का बना है, बाकी स्पिंडल हैंडल माइल्ड स्टील के बने हैं। नाम इसका क्यों पड़ा है सी क्लैंप वाइस, क्योंकि ये वाइस बिल्कुल सी आकार का होता है, अंग्रेजी का यानी सी आकार की वाइस होती है ये। यहाँ पर ऐसे बटन नुमा लगा देते हैं और यहाँ भी एक लगा देंगे ऐसे, यहाँ से इसका हैंडल और स्पिंडल लगा देंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे ऐसे, ये ऐसे इसका हैंडल बन जाएगा, ये हो गया इसका स्पिंडल। ठीक, तो ये फ्रेम इसका है सी क्लैंप वाइस का, ओपन बना है कास्ट आयरन का, ये है इसका स्पिंडल और ये हो गया हैंडल, दोनों बनाए गए हैं माइल्ड स्टील के, माइल्ड स्टील मेरे देश पर। सी क्लैंप वाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी द्वारा ऐसे इस वाइस के द्वारा भी ऐसे जा पकड़े जाते हैं जिनकी सतह पर निशान न पड़े, सी क्लैंप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका साइज पूछता है सी क्लैंप वाइस का साइज, तो इसके द्वारा पकड़े जा सकने वाले या आप कह सकते हैं कि जाब या कारीखंड के अधिकतम व्यास से लिया जाएगा इसका साइज। सी क्लैंप वाइस का साइज बहुत पूछता है, इसके द्वारा एक ही समय में दो या दो से अधिक जाब को पकड़ लिया जाता है। ठीक, एक ही समय में दो या दो से अधिक जाब को पकड़ लिया जाता है सी क्लैंप वाइस के द्वारा।
साइज इसका इस वाइस के द्वारा पकड़े जा सकने वाले जब के अधिकतम व्यास से लिया जाएगा, जितना जैसे 2 mm या 20 mm 30 mm का जब अगर ये पकड़ सकती है तो वही इस वाइस का साइज होगा। अलग अलग साइजों में आती हैं सी क्लैंप वाइस। फ्रेम बना है कास्ट आयरन का, बाकी ये सब माइल्ड स्टील के ही बने हैं। ठीक, आगे देखिए पैरेलल वाइस है या टूल मेकर्स क्लैंप इसको भी कहते हैं, पैरेलल वाइस या टूल मेकर्स क्लैंप, इसकी सहायता से भी जाब इसका भी साइज जाब या कारीखंड के अधिकतम व्यास से ही लिया जाता है, जाब या कारीखंड के अधिकतम व्यास से लिया जाता है। साइज देखिए सभी वाइसों का बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले ही बता चुके कि जैसे बेंच वाइस है। ठीक, पहले पैरेलल ये समझ लीजिए, पैरेलल वाइस या सी क्लैंप वाइस ये कुछ इस प्रकार की वाइस है। इस पर नलिंग प्रक्रिया कर देते हैं और इधर से भी एक ऐसे बना ले, ये इसके द्वारा ऐसे घुमाया जाता है इनको, ये जबड़े आगे पीछे चलते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं ये, इसके द्वारा भी धातु की सतह पर फिनिशिंग जाप को पकड़ने के काम में लाई जाती है, फिनिशिंग जाप को पकड़ने के काम में लाई जाती है ये वाइस। फिनिशिंग जाप को पहले आप फिनिशिंग जाप को पकड़ने के काम में इस वाइस को लाया जाता है, इस वाइस का प्रयोग किया जाता है, ये पैरेलल वाइस है। ठीक, फिनिशिंग जाप का मतलब तैयार जो एकदम फिनिश हैं उन टूल्स को, उन जाबों को पकड़ने के लिए पैरेलल वाइस का प्रयोग किया जाता है, समांतर वाइस है, ये दोनों जबड़े पैरेलल होते हैं, चौड़े चौड़े काफ़ी होते हैं, इसको पैरेलल वाइस को ही टूल मेकर्स क्लैंप भी कहते हैं, पैरेलल वाइस को टूल मेकर्स क्लैंप भी कहते हैं। इसका साइज इस वाइस के द्वारा पकड़े जा सकने वाले जाब के अधिकतम व्यास से लिया जाता है। वाइसों का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और कारपेंटर वाइस है उसके थ्रेड पूछता है कि कौन से थ्रेड, तो बटरेस थ्रेड 45 अंश कोण, बाकी और सभी वाइस हैं उनका साइज पूछेगा आपसे, कुछ वाइस हैं उनमें पूछ लेगा कि किसका बना हुआ है स्पिंडल या हैंडल। ठीक, ये दोनों इसके जा हैं, जा प्लेटें कह लें आप या जा हैं। ठीक, और ये है इसका स्क्रू, इसमें स्क्रू लगा होता है, इसी के द्वारा ये आगे पीछे चलाया जाता है, ये जा हैं, ये कास्ट स्टील की बनाई जाती हैं। इस वाइस का भी फ्रेम कास्ट आयरन का ही बना हुआ है। ठीक, इस वाइस के द्वारा या इस वाइस की सहायता से हम जाप पर सोल्डरिंग, ब्रेजिंग ये सब प्रक्रियाएं करते हैं। इस वाइस के द्वारा हम जाप पर सोल्डरिंग हुआ, ब्रेजिंग हुआ, ठीक, सोल्डरिंग ब्रेजिंग ऑलरेडी जानते होंगे, -450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप पर सोल्डरिंग की जाती है, ऊपर ताप पर ब्रेजिंग की जाती है सर, तो सोल्डरिंग ब्रेजिंग ये सब संक्रियाएँ करने के लिए पैरेलल वाइस का प्रयोग किया जाता है, या आप ये कह लें टूल मेकर्स क्लैंप का प्रयोग किया जाता है अथवा पैरेलल वाइस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पैरेलल वाइस को ही टूल मेकर्स क्लैंप भी कहते हैं। तो वाइस में इतना है, इस वाइस का साइज इस वाइस के द्वारा पकड़े जा सकने वाले जाप के अधिकतम व्यास से लिया जाएगा। वाइसों का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बेंच वाइस का साइज है तो जबड़ों की चौड़ाई से, उसी में मशीन वाइस भी है, इसका भी साइज इस जबड़ों की चौड़ाई से ही लिया जाएगा, लेकिन पाइप वाइस से, पाइप वाइस का साइज जाब या कारीखंड के अधिकतम व्यास से, जाब या कारीखंड के अधिकतम व्यास से लिया जाएगा। पिन वाइस का भी जाब या कारीखंड के अधिकतम व्यास से ही लिया जाएगा पिन वाइस। सी क्लैंप वाइस है, इसका भी साइज जाब या कारीखंड के अधिकतम व्यास से लिया जाएगा। पैरेलल वाइस है, इसका भी साइज जाब या कारीखंड के अधिकतम व्यास से लिया जाएगा। इन सब वाइसों के बारे में इसके पहले वीडियो में पढ़ा दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, शुरू से ही बेंच वाइस के जो 4 प्रकार थे, मशीन वाइस के 5 प्रकार, सारा सब कुछ डिटेल पूरा, ये तो आपको समझने के लिए बता रहे थे कि ये सब बहुत पूछता है वाइसों का साइज। इसमें आपसे हैंड वाइस है, ठीक, हैंड वाइस पूछता है, उसमें बिंग नट लगा है, फ्लाई नट, उसके बारे में पूछता है आपसे, तो वाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग अपने दूसरे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर्स है, ये सभी हैं।
बाकी वाइसों का उपयोग आप समझ ही गए, सभी वाइसों का अलग अलग है, उसमें मशीन वाइस है, उसके प्रकार हैं, बेंच वाइस है, क्विक रिलीज वाइस, सब आपको बता दिया गया। समय की बचत है, किसी में ऊर्ध्वाधर प्लेन दोनों साइड से बांधा जा सकता है, यूनिवर्सल मशीन वाइस में जब आपको कार्यखंड को किसी भी कोण पर मतलब सेट किया जा सकता है। तो वाइसों का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइप वाइस का उपयोग बताया गया था, पाइप के कार्यों में अधिक किया जाता है, पाइप कटिंग में, अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि बिजली वर्कशॉप में इस वाइस का बहुत प्रयोग किया जाता है। बिजली वर्कशॉप पाइप वाइस है, पाइप वाइस का प्रयोग बिजली वर्कशॉप में भी बहुत अधिक किया जाता है। जैसे ही यहाँ भी एक वाइस पढ़ रहे थे आप, सी क्लैंप वाइस का प्रयोग फैब्रिकेशन के कार्यों में बहुत किया जाता है। सी क्लैंप वाइस का प्रयोग फैब्रिकेशन के कार्यों में बहुत अधिक किया जाता है। ऐसे ही हैं, बाकी सभी वाइसें नाम से ही स्पष्ट हैं, उनका वहीं पर प्रयोग किया जाएगा। तो